राजकाल नयार घाटी में नयार नदी चरम सीमा फड़चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नया नए व्लॉग में। तो कन छो आप लोग, उम्मीद कर दो कि आप लोग भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यार से वेला। तो शिवजी की प्रतिमा देखेगा पछाड़े क्या वेला कि मैं अभी कखम फोड़ जो मैं सतपुर से थोड़े से अग्ने यू आपक दुधार खालक रोड पर छो। तो आज एक बात पुनः मैं भोलेनाथ जी का चरण मजाणु छो। तो रास्ता में मंदिर पूरी दिया आपसे दिखा छा मैं तेले में ज़्यादा कुछ दिखाणु नहीं छो। और यह बरखा लगी घर गाँव में देखो, आप देख सकता अभी भी बरखा लगी जी। और नया नदी मैंने आपसे दिखाई छे, तो नया नदी में ही छे। तो जब मैं घर बटे निकल छाई तो उबेर हल्को फुल्को घाम हुई छाई, मौसम चेंज हुई छे लेकिन घाम हुई छे। और जब यह हम पहुँचा सतपुली तो काफ़ी तगड़ी बारिश लगी है, देख सकता पूरा भीग गयो। फिर भी बुलावा छे भोलेनाथ जी तो जान फोड़ाल और यख तक पहुँच गयो। और अभी मंदिर जरच रही छे तो आवाज चल दो छो, आज आपसे दर्शन करा दें। पिछले ब्लॉग में भी मैंने आपसे बताया छे वो के बारे में, और वो का ब्लॉग में बना अच्छा है, एक बार पुनः फिर आपसे दिखा दें। तो आवा चल रहा जो, तब हम ये रास्ता होते हुए पहुंच गए अब नया रंद किनारे पर। और रास्ता जानो यू, तो रास्ता ये काफ़ी छे उत्तराखंड में रास्तों की कमी नहीं है। तो एक शॉर्टकट रास्ता ई है, तो आज मैं आपसे ये रास्ता ले जाऊँ। इना बटे हम पहुँच नदी में और नदी किनारे बटे पार कर एक जोला। बरसात मौसम से तो जो भी कि भैर बटे विदेश बटे या दिल्ली देहरादून बटे आना, तो वो इन रास्ता नहीं जाए कि इना बटे खतरा च। तो जो पहाड़ का लोग छे वो ये जन ना रिस्क लेना की जरूरत नहीं है, बरसात का टाइम है, नदी कबेर भी आ सके। तो अब हम वही रास्ता होते हुए पहुंच गए नदी किनारे पर, देख सकता नया नदी किनारे। तो इना बटे काफ़ी रिस्की है आन किले की, एक बटे अभी लैंड स्लाइड भी होनी जाको मत्थी बटी, देख सकता। तो अब हम जान अग्नि खून, तो चल रहा छो अग्नि। तो बीच में पड़ गया गदन और आप देख सकता कितना खूबसूरत नज़ारा, महादेव मंदिर आप देख सकते हैं ना बटे पूरा व्यू दिखा दें आपसे। देखो फर्स्ट क्लास सोना में ना कोई लगी हूँ देखो, और मंदिर भी बहुत बढ़िया प्रांगण। तो अब इना बटे जरा कम पानी, इना बटे हम क्रॉस कैरी करना वे पल्ले किनार जोला। तो वीडियो नहीं बना सको किले की पानी में रिस्क थोड़ा छाँच, तो वक्त जाकर ना आप तक बात वेल तमिल छो ये गदन पार कैरी कर, ठीक है। तब हम गदन पार कैरी करना आ गए उले छाल यानी मंदिर प्रांगणा सुन पहुँच गए, देख सकता आप। और कितना मधुर ध्वनि का नीचे जो गदन से जो यख देखो कितना खूबसूरत है पहाड़ों में, देख सकता। अभी तक बरखा लगी छा लेकिन अब बरखा रुक गया थोड़ा। ये मंदिर में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग बनाया थे ना, तो आज भी एक लोग बाग एक शिव जी के पूजा अर्चना करना बनाया थी ना। तो आप एक छोटू सी झलकी नज़ारा दिखा दें, कि लेकिन आज इना बटे गुजर छाए मतलब एक तक बुलावा छाए भोलेनाथ जी के, तो आज पहुँच ही गयों। तो आप चल दो मंदिर गेट चेक पिछना। तो सबसे पहले गेट बहुत ही खूबसूरत, प्रांगण काफ़ी फैल गया इना बीच इना बीच। एक बार आप थे मंदिर पूर्व प्रांगण दिखा दें नहीं, शरणार्थी खुण जितना भी उछीन मतलब भक्तगण लोग वो खुण पानी की व्यवस्था सबसे पहले बहुत अच्छी है। फिर एक बार जो टीन शेड जन भंडारा वगैरह हुआ है खाना पीना भोजन का, तो ये भंडारा मतलब बारिश वारिश से बचना कौन, देख सकता ये हो पानी की कमी नहीं है, एट ओ टाइम पानी आन। तो यह हम समेट फिर एक गेशाला जब हवन हूं तो यह क्यों तो हवन कुंड ये हो। और जो ये कुत्ता है भैरवनाथ जी बोले जान यो खुण हमारे उत्तराखंड में, तो ये विश्राम करना चाहिए अभी। तो ये छिन धर्मशाला दानी दाता होना भी यहाँ सूची मध्य हो, तो ये धर्मशाला भी बनी छ्रहण खून धर्मशाला दगड़ दगड़ आप देख सकता। उन्हें एक कुटिया है जो कि पंडित जी लोग खुण, तो वो कुटिया हुआ है इन तरफ भी मतलब
जो भंडारा के आयोजन करवाएं तो ऊँखुंड भी एक किचन वगैरह यख हम खाना वाना बन दो तो वहाँ तो छोटो मोटो भंडारा वाए तो यख हम वे जान लेकिन बड़ो भंडारा उन तरफ फोन जना वो टीन शेड में आपसे दिखाए तो मेरे पे सर आप एक पिपला डाल देख सकते हो काफ़ी बड़ो डाल से तो यख हम चबूतरा टाइप का चीज़ बने बहुत ही सुंदर यख हम लोग भजन कीर्तन कर दें आप थकान मिटा दें बैठ दा छेन तो काफ़ी अच्छी बनी यख हम तो परिसर बहुत ही बेहतरीन आप देख सकता ये पूर्व परिसर से और समण फिर से माँ भगवती का मंदिर तो सौना के पावन में नमा यह काफ़ी लोग मतलब यह भंडारे भी करवा दिन और पूजा अर्चना भी कर दिन तो आज भी काफ़ी लोग आए हैं ना तो यह एक ही दिन में काफ़ी मतलब काफ़ी लोगों के यज्ञ वगैरह होंद पूजा अर्चना होंगी तो वे कारण यह एक और यज्ञशाला तैयारी करनी चाहिए देखो ताकि यज्ञ व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ यज्ञ ऊंचा पहले की पूजा अर्चना करने के बाद पहले एक नंबर आन फिर एक बार एक अकांत तो वे से थोड़ा जल्दी करना खोनो ताकि लोग जल्दी निपट जाए तो वे हूँ एक नए यज्ञशाला बनी जी देख सकता आप मैं आप इसने विराजमान श्री नंदी महाराज जी तो आप लोग देख सकते हैं महादेव को पूजा अर्चना चली से तो जी मंदिर बगल बटाणी है ये हम बदल उत्तरमुखी मधुगंगा अर्जुन हाथ बेटे काजो देगा ना नीचे अगने बैठे हुए हूँ बदल नारद गंगा या पूर्वी नार जी बोल सकता है जी नाम छीन तो ये जो मैंने जान ये साफ चाहिए शुद्ध मैंने जान ग्वंत दुया गंगा की रूप छी ना दुया नदी लेकिन जो यह मंदिर बगल फर्ज है जो काफ़ी शुद्ध मैंने जान आप देख सकता ये हम लोग नहीं पिछले ने जो बोलते छे कि दंगल नहीं जोला तो कहीं नहीं दिन आप पिछले देख सकता तो देख सकता आपके सपरिवार लोग आए छे ना अपने बच्चों से लेकर ना कुटुंब से लेकर ना तो दिन का नहीं खुणी आया ऐसी ना तो काफ़ी शुद्ध मैंने जान हमारे संस्कृति में ये थी जो ये नदी बोगनी बन तो दिखे खुण दिया गदन च लेकिन मधुगंगा एक नाम च उत्तरमुखी मधुगंगा उत्तरमुख उत्तरमुख बटे आनी चाहिए यानी नॉर्थ साइड बटे बंत म्यारी मंदिर दंगलेश्वर मंदिर दुई वीडियो ऑलरेडी पहले बटे डरिया ना आज भी मैं थे बुलावा छा बोलना जिसका आज मैं पहुँच गया तो दंगलेश्वर महादेव के चरणों में मेरे मिल गई एक भाजी आपका शुभ नाम चंद्रमोल आपका गैड़गांव अच्छा गैड़गांव ठीक ठीक तो मैं आपसे जरा एक द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में जरा बोल दें दो हाँ जी बोलिए सौराष्ट्र देश विदेश तेरा ज्योतिर्मय चंद्रकला वसंग भक्ति प्रदान कृपावतीण तम सोमनाथ शरण प्रपद्ये तम सोमनाथ शरण प्रपद्ये श्री शैल सिंह विभुताति संगे तुलादि तुंगे पिमुदा बसंतं तम अर्जुन मालिक पूर्व मेकं नमामि संसार अपन
भाजी मुखन सुन द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत्र में काफ़ी अच्छा बखान कर तो भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में सभी लोग आए थे अपने मनोकामना मंगना खोण की कैक पूरी हुआ और कैक कोई मंगना खोण हुए तो जैक पूरी होगा वो भी पूजा पाठ करना कहीं और जैक नहीं हुआ वो भी एक पूजा पाठ करना हुए। तो ये हम भी आप देख सकते हैं कि यज्ञ हवन होने से देख सकते आप आज अपन देख कि जगह जगह बटे लोग अपने श्रद्धा भक्ति लेकर भोलेनाथ जी से मनाड़ होने है ना किले की सावनक महीना च एकदम पवित्र महीना और ये महीना भोलेनाथ जी थे हर की प्रसन्न कन चाँद अपने मनोकामना और अपने इच्छा फलभूति होना पुण पिता तुमेव वंदो चषका तुमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तुमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं शलावसंतं हृदयागतमुदे भवं भवानी सहितं सीता समारोपितवाम पाणो महाजगचारुचापमि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं अब लेना हम बोलना जिसे आज्ञा और चल अपने घर को तो एक बार मैं आपसे पुनः लास्ट बार दर्शन करवा दें आप लोग अपने मुराद कुछ भी हुआ तो भगवान नगरेश्वर जी से मांग सको आप भोला भंडारी जी से अपने मुराद मांग सकते हो देख सकता आप हर मनोकामना पूरी वेल आप मांग सकते हो तो आप जान बैठ गए हम घर को और भगवान जी से लिया लमन विदा रास्ता आप तो देख पता ही कि लेकिन पिछले ब्लॉग में नहीं बनाया चे तो रास्ता क्या दिखाना अच्छा लो चौक ने तो घर जाते फिर मिल गए ताई जी और तो ताई जी नमस्कार सबसे पहले आप नाम बता दो पहले जरा अच्छा जो कराऊ तू बता कि आप नाम बताओ आप मेरा नाम तो देवेश्वर देवेश्वर आप गाँव इन्हें पटखोली पटखोली चलो ठीक है जी नन्न मुन्न भी दर्शन करना कहाँ छे अरे दीदी एक विषय जी नमस्कार दीदी अपना नाम नाम सबसे पहले आरती नेगी ग्राम ककतुन ककतुन और मैत पटकोली पटकोली है अच्छा तो पूजा आप एक विषय ना आज मिला तो दंगलेश्वर बेटे हम पैदल पैदल चना छाई और यह हम मिल गए एक भाई साहब तो सेहत पर चेक कर लग कुछ तो भाई साहब छिन्नियो तो भाई साहब सर्वप्रथम अपन नाम मैं प्रदीप रावत प्रदीप रावत जी
अच्छा तो आप भी मैं जाने यूट्यूबर छो। हाँ मैं यार चैनल से रावत जी उत्तराखंडी। अच्छा आप चैनल नाम जरा जोर से बोल दो। रावत जी उत्तराखंडी से। रावत जी उत्तराखंडी। हाँ अभी शुरुआत हुई है मतलब चैनल है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप थे। हाँ धन्यवाद। आप लोक संस्कृति दिखा रहे हैं। हाँ दगड़म कुछ ना आपको क्यों? मेरी दीदी थी यार। अच्छा यूँ दीदी दीदी आपका नाम? पूनम। पूनम अग्नि देवी। पूनम देवी चलो ठीक है। अरे बच्चा आप अकी छा चुटकी तरह सोना। आपका नाम? अक्षिता। और आपका नाम बेटा? अक्षत। अक्षत अच्छा अक्षत और अक्षिता बहुत अच्छी जोड़ी है। तो चलो आप लोग भी दर्शन करे का चलो मिल रहे फिर भाई। तो आज के व्लॉग में ये खूबसूरत जगह में कर दूँ एंड। तो उम्मीद कर दो आप फिर व्लॉग में यार पसंद आओ। महादेव सावन मैन अचन हो चुके तो महादेव जी के दर्शन करने में आज गयु छाई। और दंगलेश्वर हमारे लोकल ही महादेव हमारे नज़दीक ही रहने ना ये कारण में एक भी बार बार जाने लगी रहें। तो स्वाद आज भी उन लोगों को वीडियो बना दी जो यहाँ दर्शन नहीं करें। तो जितने लोग भी वीडियो में दिखना चाहिए ना ये व्लॉग में दिखना चाहिए ना सब थे बाबा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलिया। सब लोगों परिवार खूब राज खुशी रहें। ये मेरे कामना चाहिए भगवान भोलेनाथ से श्री दंगलेश्वर महाराज जी से। अब सुबह लगी सब बरखा अब लग गया घाम। तो व्लॉग कर दूँ मैं एंड अपने स्टाइल में। जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। मिल रहा छो आप थे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय।